हेलो गाइज, आज आपको सैमसंग के कीपैड वाले मोबाइल पर डिस्प्ले को चेंज करना सिखाऊंगा। तो गाइज, इसमें काफ़ी इजी तरीके से डिस्प्ले को हम चेंज कर सकते हैं और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा हमारी वीडियो में और हमारे चैनल पर। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा और आपके लिए बेहतरीन टॉपिक पर हमेशा वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये सैमसंग का मॉडल नंबर इसका दिखा दूं आपको। ये है हमारा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, SMB 310E। इसमें दिक्कत क्या है, इसकी डिस्प्ले डैमेज हो चुकी है। ये देख लीजिए, आपको चेक करके भी दिखा दूं। ये देख लीजिए, इसकी डिस्प्ले बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। कहीं पर गिरने की वजह से इसकी डिस्प्ले में दिक्कत आ गई है। अभी इसमें क्या करेंगे, नई डिस्प्ले डालेंगे और काफ़ी इजी तरीके से आपको सिखाऊंगा कि इसमें डिस्प्ले हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और देखा जाए तो बहुत इजी मेथड है इसका। तो सबसे पहले इसके बैटरी को मैं अलग कर लेता हूँ और इसके सारे स्क्रू वगैरह मैंने पहले ही निकाल के रख लिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अभी इसको एक कटर की मदद से इसको किनारे से हम इसके फ्रंट पैनल को हम खोल लेंगे। पहली बार यह मोबाइल रिपेयर हो रहा है तो काफ़ी यह टाइट है, तो इस तरीके से हम कटर की मदद से इसके फ्रंट पैनल को हम खोल लेते हैं। तो ये देख लीजिए, एक तरफ से मैंने खोल दिया है। अब इसको धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। नाखून है तो नाखून की मदद से आप इसको बढ़ाइए और पूरा इसको खोल लेते हैं। अभी देखिए, थोड़ा सा टाइट हो रहा है मेरे भी, तो इस तरीके से यह खुल के हमारा अलग हो चुका है। अभी हमने करना क्या है, इसकी डिस्प्ले को हमने हटा लेना है। और देखिए, थोड़ा सा हम इसको आगे को उठाएंगे तो इसकी डिस्प्ले हमारे हाथ पर आ जाएगी। सबसे पहले तो इसके पूरे होता ही कुछ नहीं है, सिर्फ एक पीसीबी है, तो यही निकाल लेते हैं। और ये देख लीजिए, सबसे पहले इसके डिस्प्ले को हम अलग कर लेंगे। तो इसके यहाँ पर लॉक रहते हैं, लॉक को हमने खोल लेना है और डिस्प्ले को उतार लेना है। तो मैंने लॉक को ऐसे खोल कर अलग कर लिया है थोड़ा सा। अभी करना क्या है, एक चाकू की मदद से इसके नीचे हिस्से में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर ग्लू रहता है, ग्लू को हटा लेना है और थोड़ा सा इसको इस तरीके से ऊपर उठा लेना है। और डिस्प्ले को हमने अब क्या करना है, आयरन को गर्म करके रख लेना है। और देखिए, यहाँ पर आयरन हमारा गर्म हो चुका है। और इसको उतारने से पहले इसमें हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और उसके बाद डिस्प्ले को उतारने की प्रोसेस करेंगे। तो इसमें पेस्टिंग वगैरह कर ली, अब डिस्प्ले को उतारने की प्रोसेसिंग करते हैं। तो आयरन से इस तरीके से आप आयरन को लगाकर डिस्प्ले को इजीली उतार सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक तरफ से ऊपर आप उठाते जाएंगे तो हमारी डिस्प्ले आसानी से बाहर निकल के आ जाएगी। तो देख लीजिए, ये डिस्प्ले हमारी अलग हो चुकी है। और जो नई डिस्प्ले डलनी है वो ये वाली है, बिल्कुल क्लियर है। अभी स्टिकर भी नहीं उतरा इस पर, अभी लास्ट में स्टिकर इसका उतारेंगे। और ये देख लीजिए, इसमें बिल्कुल न्यू है। अभी इसको रख लेते हैं और इसको क्लीन वगैरह करते हैं। तो क्लीन करने के लिए शोल्डर आयरन को इस तरीके से रख लेना है और धीरे धीरे से इसको क्लीन करना है। तो ये हमारा क्लीन बिल्कुल हो जाएगा और हमारा इजीली हमारा ट्रैक साफ हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये क्लीन हो चुका है। अभी क्या करना है, नई वाली जो डिस्प्ले है इसके ऊपर एक स्टिकर है, इसको उतार के जस्ट इसके प्रिंट के ऊपर बैठा लेना है। जैसे आपको, देख लीजिए थोड़ा जूम करके दिखाऊं, जैसे आपको यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है और इन लाइनों को बिल्कुल मिला लेना है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर दो होल दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर आपको दो होल दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक ये वाला, एक ये वाला, और यहाँ पर भी होल दिखाई, उन दोनों होलों को मिला लेना है और इस स्टिकर को निकाल के इसके ऊपर चिपका लेना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा मैं जूम डाउन कर लेता हूँ, अब दिखा लेता हूँ। तो ये देख लीजिए, इस होल से इस होल को मिला लिया, यहाँ पर भी यहाँ पर मिला लिया है। अब क्या करना है, इसको सोल्ड करना है। तो सोल्ड करने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पेस्ट लगाना होगा और इसको सोल्ड करना होगा। तो चलिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा लेता हूँ और इसको ईजीली यहाँ पर सोल्ड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से इसमें पेस्ट वगैरह लगा लिया है और इसको यहाँ पर मैं सोल्ड कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा,
तो देख सकते हैं थोड़ा क्लियर हो चुका है, अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ा सा फोकस कर लूँ, तो अब देखिए इसको किस तरीके से हमने लगाना है। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से तो ये देख सकते हैं आप, यह क्लियरली मतलब परफेक्टली सोल्ड हो चुका है। देखिए तो इस तरीके से ये हमारा सोल्ड हो चुका है। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इस तरफ कर लेना है और बैटरी को यहाँ पर लगा लेना है और इसको ऑन कर लेना है। जो भी इसमें फॉल्ट होगा तुरंत हम सही कर लेंगे। फिलहाल इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, तो देखते हैं। हाँ, ये ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा डिस्प्ले का काम बिल्कुल ओके हो चुका है और डिस्प्ले बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल इजीली बना सकते हैं और काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन पे आपको मतलब कुछ दिखाई दे रहा होगा ब्लिंक करता हुआ, लेकिन ये कैमरे के इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है। असल में यह डिस्प्ले हमारी ओके हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से हम देख लीजिए आप, 3 या 4 मिनट में इसकी डिस्प्ले मैंने चेंज कर ली। तो आप इस तरीके से किसी भी मोबाइल का, भले ही आप पत्ते वाला हो, चाइनीज हो या कोई भी हो, उसका डिस्प्ले इजीली घर पर चेंज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम खर्चे में। देख लीजिए इसमें आप लगभग 200-250-300 रुपये की डिस्प्ले भी लगाते हैं। अगर लोकल से भी खरीदते हैं तो 100 रुपये अपना चार्ज लगा के आप जोड़ सकते हैं, तो मंथली काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो यहाँ आपको चैनल पर हर प्रकार की मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, काफ़ी चीज़ों की वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, पसंद आई है तो यार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।